खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर की ताजर ब्रादरी ने वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। ताजरों का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस में कमी और अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी समेत बजट में आवाम को रिलीफ दे तो ये आवाम दोस्त बजट होगा, अगर रिलीफ ना मिला तो आवाम दुश्मन बजट पेश होगा। पेशावर की ताजर ब्रादरी ने वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। ताजरों का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस में कमी और अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी समेत बजट में आवाम को रिलीफ दे तो ये आवाम दोस्त बजट होगा, अगर रिलीफ ना मिला तो आवाम दुश्मन बजट पेश होगा। आपको बताते चलें कि पेशावर की ताजर ब्रादरी ने वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। ताजरों का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस में कमी और अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी समेत बजट में आवाम को रिलीफ दे। मजीद तफसीलात जानेंगे आसिफ शहजाद से, जो इस वक्त ताजर रहनुमा के साथ ही मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है जिसमें ताजर ब्रादरी जो है वो भी इस बजट से तवक्कुआत लगाए बैठी है। उनका ये कहना है कि बजट में रिलीफ दिया जाए ताकि ताजर जो है वो खुशहाल हो, ताजर खुशहाल होगा तो आवाम भी उससे मुस्तफीद होगी। ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी सर, आज वफाकी बजट पेश किया जा रहा है, क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत हैं? बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है ताजरान के ऊपर। जितनी टैक्स दिन ब दिन बढ़ रहा है और जितना फ्यूल प्राइस और बिजली के प्राइसेस है तो मेरे ख्याल में ताजर रुल गया है। हर एक चीज़ पे बहुत बुरा असर हो रहा है, बहुत बुरा असर है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस तरह गवर्नमेंट दिन ब दिन टैक्स तो बढ़ा रहा है लेकिन आवाम का फिक्र उनको नहीं है। लोग डिप्रेशन का बीमार है और लोग अजियत में मुब्तला है कि हम किस तरह जिए और दो वक्त का रोटी हलाल किस तरह कमाएँ और किस तरह अपने बच्चों को खिला दें। जी बिल्कुल, ताजरों का यही कहना है कि जो वफाकी बजट आ रहा है तो इस बजट में रिलीफ दिया जाए, टैक्सेस में कमी की जाए, जबकि उनका यह कहना था कि जो उनके पास काम करने वाले मजदूर उनकी उजरत भी ना होने के बराबर है तो वफाकी हुकूमत बजट ठीक है। आसिफ, इस हवाले से आप आगाह करें, बेहद शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।